गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपना कंप्यूटर का नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे, क्लॉक। क्लॉक में क्या होता है? बाय डिफॉल्ट द डिजिटल क्लॉक आइकन अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द टास्क बार। ये क्या होता है? ये टास्क बार की राइट साइड में दिखाई देती है एंड डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम, और हमें ये जो करंट डेट और टाइम शो करती है, ठीक है। यू शुड मेक श्योर डैट द करेक्ट डेट एंड टाइम एज योर सेट आर सेट इन यूर कंप्यूटर विंडो। यूज़ द डेट एंड टाइम टू डिटरमाइन वैन यू क्रिएट एंड अपडेटेड फाइल्स। अगर तो वो आपके कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर में डेट और टाइम क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप उस डेट एंड टाइम को अपडेट कर सकते हो अपनी फाइल से। नेक्स्ट है हमारा पर्सनलाइजेशन विंडो। पर्सनलाइजेशन विंडो का यूज़ किस लिए किया जाता है? फॉर कस्टमाइजिंग, डेकोरेटिंग एंड कन्फिगरिंग मैनी एक्सेप्ट ऑफ योर विंडो सिस्टम, ठीक है। इसका यूज़ कस्टमाइजिंग, डेकोरेटिंग, कस्टमाइज करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए यूज किया जाता है। आगे दे रखा है आपके चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड। यू कैन मेक योर डेस्कटॉप बैकग्राउंड मोर ब्यूटीफुल बाय चेंजिंग इट्स वॉलपेपर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। इसमें मतलब यह है कि आप अपना जो डेस्कटॉप है ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको सही अच्छी लगती है, जो अपने अकॉर्डिंगली उसको चॉइस कर सके, अपनी बैकग्राउंड इमेज चॉइस करके आप लगा सकते हो, ठीक है। और इसे योर डेस्कटॉप इज कॉल्ड वॉलपेपर, और इसे क्या बोलते हैं, वॉलपेपर भी बोलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा सेटिंग द स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर में क्या होता है? दिस स्क्रीन सेवर इज द मूविंग पिक्चर दैट अपीयर्स ऑटोमेटिकली ऑन योर कंप्यूटर। स्क्रीन सेवर में क्या है कि आपकी जो भी पिक्चर्स होती है वो ऑटोमेटिकली उनके और तुम्हारे कंप्यूटर में क्या करती है, दिखाई देती है, मूव होती रहती है। इफ़ यू डू नॉट यूज योर कंप्यूटर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम टू ब्रिंग बैक योर डेस्कटॉप अगेन फ्रॉम स्क्रीन सेवर, जस्ट मूव योर माउस और प्रेस एनी की फ्रॉम कीबोर्ड। अगर तो तुमने यूज़ नहीं करना उस टाइम पे, तो आप क्या करो, डेस्कटॉप पे जाकर उस स्क्रीन सेवर में जस्ट मूव कर दो, और किससे कर सकते हो, माउस से या कोई या की एनी की बोर्ड की कोई भी की प्रेस करके। नेक्स्ट है हमारा चेंजिंग द कलर थीम। चेंजिंग द कलर थीम है कि यू कैन पर्सनलाइज विंडो बाय चूजिंग अ डिफरेंट कलर स्कीम। आप कोई भी कलर क्या है चूज कर सकते हो, ठीक है। विंडो अप्लाइज कलर स्कीम टू द विंडो बॉर्डर, वो क्या कलर अप्लाई हो जाएगा विंडो बॉर्डर पर, टास्क बार पर और आपकी स्टार्ट मेन्यू पर ये कलर क्या अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अप्लाई थीम। इंस्टेंट ऑफ सेटिंग द डेस्कटॉप बैकग्राउंड स्क्रीन सेवर एंड कलर स्कीम इनविजली, यू कैन चेंज ऑल ऑफ दिस एट वंस बाय अप्लाइंग अ थीम। ईच थीम ऑल्सो इंक्लूड्स इट ऑन सेट ऑफ डेस्कटॉप आइकन, साउंड इफेक्ट्स एंड माउस पॉइंटर। मतलब क्या है कि जो भी आपके डेस्कटॉप का बैकग्राउंड होता है, इवन की स्क्रीन सेवर, कलर स्कीम इनविजली भी आप उस चीज़ को क्या कर सकते हो, कलर उसका चेंज कर सकते हो, उसकी थीम चेंज कर सकते हो, मतलब एक एक अलग अलग का भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा गैजेट ऑन द डेस्कटॉप। यू कैन मेक द विंडो डेस्कटॉप मोर यूजफुल बाय एडिंग गैजेट्स टू इट। अ गैजेट इज अ स्मॉल प्रोग्राम सच एज अ क्लॉक और कैलकुलेटर दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। यू कैन ऑल्सो रिमूव द गैजेट्स। गैजेट्स का मीनिंग है कि आपने जो विंडो में विंडो डेस्कटॉप को मोर और यूज बनानी है, ठीक है, इसलिए गैजेट्स का को ऐड किया जाता है। अ गैजेट इज अ स्मॉल प्रोग्राम, एक छोटा प्रोग्राम होता है, जैसे कि उसमें सच एज ए क्लॉक और कैलकुलेटर डेट परफॉर्म, इसमें क्या है क्लॉक और आपका कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, और अब आपने को जो भी डिफिकल्ट वर्ड लगते हैं आपने अपनी रफ नोटबुक पर राइट करने हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।